सो हेलो फैमिली, आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली, बेस्ट 5G स्मार्टफोन जो 15 से 25 हज़ार रुपये की प्राइस में है। कौन से ऐसे स्मार्टफोन हैं जो हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकते हैं 5G के लिए, वो आपके सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बेस्ट 5G आपको स्मार्टफोन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। यस, तो बिना कोई देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, सबसे फास्ट स्मार्टफोन की बात करें तो गाइस मोटोरोला G71 5G। यस, जहां पर आपको प्रोसेसर की बात करें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G वाला चिपसेट देखने मिलेगा, 11 5G बैंड। यस, फ्यूचर रेडी 5G स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बैंड आपको प्रोवाइड किए गए हैं 5G के लिए। यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले यानी 6.4 इंच का जो डिस्प्ले देखने मिलता है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ 50 का वाइड रेयर कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है। बैटरी 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग एंड मोटोरोला G71 5G आपको ऑफर वगैरह में इजीली 16,000 रुपये की प्राइस में मिल जाएगा। बैंक ऑफर अप्लाई करोगे तो वो ये आपको इफेक्टिवली 15,000 रुपये की प्राइस में इजीली मिल जाएगा। यस, तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो। एंड नंबर टू पर आने वाले स्मार्टफोन की बात करूँ तो गाइस सैमसंग गलेक्सी A23 5G। यस, डिस्प्ले 6.6 इंच का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ PLCD डिस्प्ले देखने मिलेगा। अब ये PLCD डिस्प्ले आपको यहाँ पर जो LCD डिस्प्ले आते हैं ना, उससे 10% अपग्रेड किया गया है। बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करते हैं फाइनली, तो यहाँ पर आपको गुड लुकिंग डिज़ाइन देखने मिलेगा, सुपर सॉलिड। यस, सुपर सॉलिड डिज़ाइन देखने मिल जाएगा, ब्लैक वाइट ब्लू एंड यहाँ पर आपको पिंक इन कलर ऑप्शन में आपको देखने मिल जाता है। अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। एंड ये बेसिकली ऑफलाइन सीरीज आपको देखने मिलने वाले, यानी आप ऑफलाइन मार्केट से इसे बाय कर सकते हो। ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G वाला चिपसेट देखने मिलेगा, 6 nm पर बना हुआ ऑक्टा कोर का 5G प्रोसेसर है, 2.2 GHz की पीक लॉक स्पीड प्रोवाइड कर देता है, एड्रेनो 619 GPU देखने मिला है, LPDDR4X रैम टाइप एंड यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 UI 1 UI 4.0 फुल फ्लैश देखने मिलता है उसका वर्जन। यस, क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने मिलेगा, बैक पैनल प्लस जहाँ पर आपको ओनली 2 कैमरा काम के हैं, उसके अलावा 2 छोटू कुछ काम के नहीं है, वो फालतू हैं। 50 MP का, यस 50 MP का, 50 MP का प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। अब वो देखते हैं कि OIS प्रोवाइड तो किया है, बट उसका रियल यूज़ होता है या नहीं होता कैमरा में। 5 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो, 2 MP का डेप्थ। यस, फ्रंट पर यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप भी शेप डिज़ाइन में 8 MP सेल्फी से पर, बैक से फ्रंट से 1080p 30 FPS पर, ओनली 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, 960। 5000 mAh की बैटरी टाइप सी पोर्ट के साथ आपको देखने मिलती है, बैटरी से आपका 1 day चली जाएगा। आप भी अगर कोई MI का स्मार्टफोन या Xiaomi का स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हो मार्केट में, तो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा ये आपके लिए। डिस्प्ले की बात करूँ तो गाइस यहाँ पर आपको 6.55 इंच का, यस वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, 12-bit AMOLED पैनल, जहाँ पर आपको 68 billion कलर का ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं। तो डिस्प्ले में यूज़ होने वाला पैनल क्वालिटी साइज वन ऑफ द बेस्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसमें ये वर्ड ऐड किया है। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज के टच सेंसर ग्लेड के साथ, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक। यस, ये आपको डेफिनेटली देखने मिल जाएंगे। बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें, काफ़ी सॉलिड एंड यहाँ पर आपको गुड लुकिंग डिज़ाइन देखने मिलता है। यस, जहाँ पर आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा जो कूल एंड ओसम डिज़ाइन देखने मिल जाएगा। फुल ग्लास रहेगा फ्रंट पर, यहाँ पर आपको कोडिंग और ग्लास टाइप रहेगा एंड बैक पर यहाँ पर आपको ग्लास रहेगा। 173 ग्राम वेट देखने मिलेगा। फ्रंट डिस्प्ले पर यहाँ पर आपको चिन एंड यहाँ पर आपको साइड के जो बेजल्स रहेंगे वो काफ़ी स्मॉल देखने मिलेंगे, जिससे आपका डिस्प्ले पर एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट आपको देखने मिलेगा। ब्लैक पिंक एंड ग्रीन इन कलर ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा, अपनी प्लेट के अकॉर्डिंग कोई सा कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। चिपसेट की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G, यस जो कि आपको 5G के लिए यूज़ होने वाला सबसे हाई जो चिपसेट, यस हाई सेलिंग चिपसेट आपको देखने मिलेगा, 6 nm पर बना हुआ ऑक्टा कोर का 5G प्रोसेसर है, 2.4 GHz की पीक लॉक स्पीड प्रोवाइड करेगा, एड्रेनो 614 जो LGPU देखने मिलेगा, LPDDR4X रैम टाइप, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ, एंड्रॉयड 12 रहेगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड MIUI 13 का सपोर्ट आपको देखने ओबियसली मिल जाएगा। ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप रहेगा बैक पैनल पर, 108 MP प्राइमरी कैमरा सैमसंग HM2 जो सेंसर के साथ, वहाँ पर आपको EIS देखने मिलेगा, नो
OIS, 8 में ऑप्शनल अल्ट्रा वाइड, 2 में ऑप्शनल मैक्रो। बैक से 4K 30 FPS पर, 1080p 30 FPS 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट पर सेंटर कंसोल में 32 का सेल्फी स्टेपर। यस, ऑल कैमरा फिल्ट रहेंगे, ऑल फीचर्स रहेंगे। फ्रंट से 1080p 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। बैटरी 4300 mAh की बैटरी, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। चार्जर बॉक्स में रहेगा टाइप सी पोर्ट के साथ। इस प्राइस रेंज में इसे बाय करें 25,000 रुपये के समथिंग, 25,000 रुपये से नीचे मिल जाता है, हाईली रिकमेंडेड है। ऊपर चला जाता है तो अदर स्मार्टफोन की तरफ आप जा सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करूँ तो गाइस, बात आया Realme 9 5G। यस, जो कि आपको यहाँ पर Realme की तरफ से आपको देखने को मिलता है। ये Realme 9 जो 4G वाला वेरिएंट था उसका 5G वेरिएंट है। यस, यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको Realme 9 5G में यहाँ पर आपको डिस्प्ले की बात करूँ तो गाइस, यहाँ पर मिलेगा 6.6 इंच का फुल एच प्लस जो रेजोल्यूशन के साथ IPS LCD पैनल रहेगा। 90 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट रहेगी एंड गुड लुकिंग डिज़ाइन रहेगा। यहाँ पर आपको फ्रंट पर, यहाँ पर आपको ग्लास, बैक पर यहाँ पर आपको ग्लोसी डिज़ाइन। यस, आपको MediaTek Dimensity 810। यस, जो कि यहाँ पर आपको 810 ये गाइस आपको 16 नंबर बना हुआ ऑक्टा कोर का 5G प्रोसेसर है। अनमाली G57MC 2GPU देखने को मिलेगा। LPDDR4X रैम टाइप रहेगी। एंड्रॉयड 12 रहेगा आउट ऑफ द बॉक्स। कैमरे की बात है, बैक पर यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 50 MP प्राइमरी। फ्रंट पर यहाँ पर आपको 8 MP सेल्फी स्नैपर देखने को मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी रहेगी। ये आपको यानी 20 से 15,000 रुपये की प्राइस में ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करूँ तो गाइस, वो भी आपको Realme की तरफ से देखने को मिलता है। यस, Realme 9 Pro Plus 5G। यस, जहाँ पर आपको चिपसेट की बात करूँ तो गाइस, MediaTek Dimensity 925G चिपसेट देखने को मिलता है। 6.4 इंच का फुल एच प्लस AMOLED डिस्प्ले 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ। कैमरा 50 MP जो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। बैटरी 4500 mAh की बैटरी। तो Realme 9 Pro Plus 5G भी आपके लिए बेटर चॉइस रह सकता है 25,000 रुपये के नीचे की प्राइस में। सैमसंग M53 5G नेक्स्ट स्मार्टफोन, प्रोसेसर Dimensity 900 5G। यस, जहाँ पर आपको डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है एंड यहाँ पर आपको बैटर कैमरा प्रोवाइड किया गया है एंड उसके साथ 5000 mAh बैटरी आपको प्रोवाइड की गई है। यस, तो यहाँ पर आपको ये स्मार्टफोन आपको लिए बेटर चॉइस हो सकते हैं 5G के लिए। अगर आप 5G के लिए कोई भी बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो 15 से 25,000 रुपये के प्राइस में, इसके अलावा 15,000 रुपये के नीचे के प्राइस में बेस्ट 5G स्मार्टफोन में भी मैंने आपको बता रखे हैं एक वीडियो में चैनल से, उसको आप चेकआउट जरूर चेक कर लेना। ऐसे ही कमाल के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए गाइस।